नमस्कार स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इंग्लिश ग्रामर. टॉपिक नेम इज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या होते हैं आज हम इसके बारे में जानेंगे. तो जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं ए, एन एंड द. ये तीन हमारे आर्टिकल्स होते हैं और आज हम इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किसी सेंटेंस में कहाँ और कैसे यूज होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर वन इज आ. जो हमारा ए आर्टिकल जो यूज होता है वो कहाँ होता है? हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं. 26 लेटर्स में से जो 5 लेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो वॉवल्स होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपको पता ही है. और जो 21 जो लेटर्स हमारे जो बचते हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो हम ए आर्टिकल का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर जो हमारा लेटर जो स्टार्ट होता है, जो वर्ड स्टार्ट होता है वो कॉन्सोनेंट लेटर से होता है. जो हमारा वर्ड होता है वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है वहाँ उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं. जैसे अ बैग, तो ये जो हमारा बैग में जो बी है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. इसी तरह अ कैप, सी भी हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. इसी तरह हम सारे वर्ड्स जो यूज़ करेंगे जहाँ हम ए यूज़ करते हैं वो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है. इसी तरह एन, हम एन आर्टिकल का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पर जो हमारा वर्ड स्टार्ट होता है वो हमारा वॉवल्स से स्टार्ट होता है, जिसमें वॉवल्स का साउंड आता है. जैसे एन एप्पल, एप्पल, तो एप्पल में जो ए है वो क्या है? हमारा वॉवल है. इसी तरह एन ईगल, ईगल में ई साउंड हो रहा है. एन इंक पॉट, इंक पॉट में आई का साउंड आ रहा है. इसी तरह एन ऑरेंज, ऑरेंज में ओ का साउंड आ रहा है. इसी तरह एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी आ का साउंड आ रहा है. इसी तरह एन आवर, तो इसमें एच है लेकिन वो एच साइलेंट है और इसमें जो साउंड आ रहा है वो आ का आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें एन का यूज़ करेंगे. इसी तरह एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी हमारा एच साइलेंट है और इसमें जो साउंड आ रहा है वो ओ का आ रहा है, तो हम इसमें भी क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे. अभी हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे और अभी मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग बता रही हूँ. द का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जो यूनिक चीज़ होती है, किसी की पोस्ट होती है या सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं. जैसे द सन, तो ये सन जो है यूनिक है. द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी की पोस्ट है. द बेस्ट, तो हमने पढ़े थे डिग्रीज, तो जिसमें गुड, बेटर, बेस्ट था, तो जो बेस्ट है वो कौन है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमने सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ करना है. सो स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ. आपने अभी थोड़ा बहुत जाना, अब मैं स्टार्ट करती हूँ. तो आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स मैंने आपको बताया था ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं. अब इनकी हम टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, दो तरह के होते हैं. पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स. तो जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल होता है उसमें हम द होता है, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें वो ए और एन होता है. इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन, इफ जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो. इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब कि हम ए और एन का यूज़ वहाँ करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती, वहाँ पर हम
ए और एन का यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट मतलब किसी चीज को जिसकी हमें पहले से जानकारी होती है। इट जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ, हम स्थान के साथ होता है जिनके बारे में हमें पहले से ही जानकारी होती है। द का यूज हम हमेशा नोन चीज के लिए करते हैं। नोन मतलब जो जानी हुई चीज, हमें पहले से इसके बारे में जानकारी है, वही हम द का यूज करेंगे। अगर हमें किसी के बारे में पहले से जानकारी नहीं है तो उसमें द का यूज कभी नहीं होता। एग्जाम्पल, एक डैश कोई लड़का, या ए एक और कोई लड़का, जैसे अ बॉय, जैसे एक या कोई लड़का, उसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं है तो हम उसमें क्या करेंगे, अ बॉय। इसके बाद हम कहेंगे वो लड़का, वो लड़का मतलब हमें पहले से किसी के बारे में, उसके बारे में कुछ पता है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं वो लड़का, तो उसमें क्या यूज होगा, द बॉय। यही तो किताब है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, ये भी एक एग्जाम्पल देखिए आप। यही तो किताब है, दिस इज द बुक, यही तो किताब है, मतलब इसके बारे में हमें पहले से पता है, यही किताब है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। अब इसमें हमने कहा कि यही तो वो किताब है, वो किताब मतलब हमें पहले से उस किताब के बारे में जानकारी थी, तो इसमें हमने क्या यूज किया, द। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह पढ़ें, यह एक किताब है, तो हम इसको कैसे करेंगे, दिस इज अ बुक, क्योंकि इसमें हमें जानकारी नहीं है कि वो कौन सी किताब है, तो हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज अ बुक। कहां पर ए और कहां पर एन लगता है, ये मैंने आपको अभी बताया था कि ए कहां पर यूज होता है और एन कहां पर यूज होता है। तो जो हमारे बॉवल साउंड होते हैं, वही मैंने आपको बताया था कि जो ए ई आई ओ यू, जो हमारे बॉवल साउंड होते हैं, उसमें हम किसका यूज करते हैं, एन का। तो इसमें जो हिंदी वर्णमाला में भी जो हमारे छोटा आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ औ अंग आहा, इसमें ओ औ मिसिंग है, लेकिन ओ औ अंग आहा, इसमें ये जो सारे जो वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, इसमें जो साउंड आता है, हम उसमें किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। बाकी जो सब हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसमें आपको मैंने बताया ही है कि हम ए का यूज करते हैं, ए। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है जो वर्ड, उसको हम ए यूज करते हैं उसमें। उसी तरह एन, एन का, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द बॉवल साउंड, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से होती है, मतलब बॉवल से स्टार्ट होता है। बॉवल्स, बॉवल क्या होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया है, ए ई आई ओ यू, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि जो फाइव लेटर होते हैं वो कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी सारे जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, लेकिन इसमें हमने आ क्यों यूज किया, क्योंकि इसमें जो साउंड हो रहा है, जो भले ही यू एक बॉवल स्वर है, बॉवल से का है, लेकिन इसमें हम क्यों हम आ लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ध्वनि आ रही है, जो साउंड आ रहा है, वो या का हो रहा है, तो जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने इसमें ए लगाया है। जैसे आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो साउंड निकल रहा है वो काय का निकल के आ रहा है, या का निकल रहा है, इसलिए हम इसमें ए ही लगाएंगे। इसके बाद एन आवर, मैंने अभी भी आपको बताया था कि आवर के साथ एन क्यों, जबकि एच है उसमें, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर आ की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम इसमें एन का यूज करेंगे। इसके बाद है एन एम एल ए, एम एल ए में हम, जबकि ये एम जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम फिर भी इसमें एम लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है,
MLA, ए का साउंड आ रहा है तो इसमें हम इसलिए एन का यूज कर रहे हैं। इसके बाद आया आ यूनियन, यूनियन में भी यही है कि इसमें या का साउंड आ रहा है, एन ऑरेंज, ऑरेंज में हमारा आ का साउंड आ रहा है इसलिए हम एन का ही यूज कर रहे हैं। इसी तरह आ बॉय, बॉय में तो कॉन्सोनेंट है, साउंड है तो इसलिए इसमें आ लगेगा। इसी तरह आ पेन, इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसमें भी आ लगेगा। इसी तरह एन ऑनेस्ट, ये भी मैंने आपको बताया था कि एन में एच साइलेंट है और इसकी जो ध्वनि स्टार्ट हो रही है वो आ से हो रही है। कहाँ पर दा बोलें और कहाँ पर दी बोलें? आपने कभी देखा होगा कि हम कहाँ, कहीं पर तो दा बोलते हैं, दा, टी एच ई को कहीं पर दा का यूज़ करते हैं, और कहाँ पर हम दी, दी भी बोलते हैं। तो हमें ये कहाँ पर बोलना चाहिए, हमें कहाँ पर दा का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर दी का यूज़ करना चाहिए? तो दा, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर जो हमारा वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। जैसे, और दी का यूज़ कहाँ करेंगे, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से होती है, अगर जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो बॉवल साउंड से होता है तो उसमें हम दी का यूज़ करते हैं, हम दी बोलते हैं उसको, दा नहीं बोलते। इसी तरह आ जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है और एन जो होता है बॉवल साउंड से शुरू होता है। इसी तरह हम दी का जो यूज़ करते हैं वो बॉवल साउंड में यूज़ करते हैं और दा का यूज़ करते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू करते हैं। इसी तरह द बॉय, इसी तरह हमने क्या यूज़ किया, द बॉय, और द पेन, द ईयर, लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, द दी ईयर, ई, क्योंकि इसमें ई का साउंड आ रहा है जो कि एक बॉवल है। द दी ऑनेस्ट, हम इसमें भी दी का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें जो ध्वनि आ रही है वो ऑनेस्ट, ओ वाली ध्वनि आ रही है इसलिए हम इसमें दी का यूज़ करेंगे। इसी तरह द बॉय, द पेन, द ईयर, दी ईयर, दी ऑनेस्ट, दी एलिफेंट, दी एंड, आपने कभी देखा होगा जब पिक्चर ख़त्म होती है तो उसको द एंड नहीं बोलते, उसको दी एंड बोलते हैं क्योंकि उसमें बॉवल साउंड यूज़ हो रहा है, आ रहा है तो हम इसमें दी एंड, द हाउस, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसी तरह से हम द और दी का यूज़ कहाँ करते हैं ये आपने देखा। इसके बाद वेयर टू यूज़ द, दा का प्रयोग कहाँ पर होता है, अब हम ये जानेंगे कि दा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। विथ यूनिक, यूनिक मैंने आपको बताया था कि जो बिल्कुल एक ही चीज़ होती है, यूनिक है, अपने आप में अकेली है, उसके साथ कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो। तो जैसे द सन, सूरज केवल एक ही है, द अर्थ, पृथ्वी केवल एक ही है, द मून, द मून मतलब चंद्रमा एक ही है, द प्रेसिडेंट, जब कोई किसी चीज़ की कोई पोस्ट है जो यूनिक है अपने आप में, द सीईओ, द वर्ल्ड, विश्व हमारा एक ही है, द स्काई, हमारा आकाश। तो इसमें हम जो यूनिक चीज़ होती है उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। इसी तरह विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स, मतलब जो हमारे प्रसिद्ध भवन, संग्रहालय और स्मारकों के साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे ताजमहल, तो ताजमहल क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस मॉन्यूमेंट है, तो इसमें हम दा ताजमहल, दा कुतुब मीनार, दा लाल किला, दा आईफिल टावर, दा ग्लोब, इटीसी, हम इस तरह से सारी चीज़ों में दा का ही यूज़ करते हैं। इसी तरह विथ सुपरलेटिव डिग्री, मैंने आपको डिग्रीज पढ़ाई थी ना, उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हमेशा दा का यूज़ होता है, ये भी मैंने आपको अभी बताया था, द हाईएस्ट, द मोस्ट,
द लोअरेस्ट लोएस्ट द यंगेस्ट द ओल्डेस्ट द नियरेस्ट ईटीसी। ये सारी चीज़ों हमें हम सुपरलेटिव डिग्री में हम द का ही यूज़ करते हैं। इसी तरह विथ ऑर्डिनल नंबर, जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं क्रमवाचक संख्याओं के साथ, जैसे हमारे है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब ऑर्डिनल नंबर हमने मैथ्स में पढ़े हैं ना, इसी तरह से इसमें जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनमें हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। जैसे द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द सेकंड ओकेजन, द पेन्यूल पैदा पेनल्टी मेट नंबर ईटीसी। इसी तरह से हम इन सब चीज़ों में द का यूज़ करते हैं। यस, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराएं, मतलब जैसे जो मतलब पूरा एक ग्रुप जो होता है ना, हमने उसमें पढ़ा था ये कि जब हम किसी पूरे एक ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें हम उसमें भी द का यूज़ करते हैं। जैसे द ओल्ड, बूढ़ा, तो वो एक पूरी हमने प्रजाति की बात कर दी कि बूढ़े लोग, या द यंग, यंग मतलब हमने पूरी उसकी बात कर दी, सारे यंग पर्सन्स की बात कर दी। द रिच, रिच मीन्स क्या होता है, अमीर, तो हमने सारे अमीर लोगों की बात कर दी। द पुअर, पुअर मीन्स गरीब, हमने सारे गरीबों की बात कर दी। इसी तरह विथ कंट्रीज, द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। कंट्रीज़, वैसे हम कंट्रीज़ में नहीं यूज़ करते, लेकिन हम ऐसे कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है, किंगडम यूज़ होता है, जिसमें किंगडम हो, जो एक कंट्रीज़ का एक ग्रुप होता है तो उसमें हम दा का यूज़ करेंगे। और स्टेट्स, जो स्टेट्स और रिपब्लिक, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड की हमने इसमें बात की तो इसमें हमारा द यूज़ करेंगे। द यूनाइटेड किंगडम, किंगडम तो इसमें भी हमने द का यूज़ किया। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड तो इसमें भी हम द का यूज़ करेंगे। तो जो कंट्रीज़ होती हैं जो इंक्लूड होती है, इसमें किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक यूज़ होता है तो उसमें हम द का यूज़ करते हैं। इसी तरह ओनली से पहले द का यूज़ करते हैं, और जब वाक्य में इकलौता कोई चीज़ की मतलब ओनली वन आए तो उसमें हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द ओनली सन, इकलौता बेटा, द ओनली फ्रेंड, इकलौती दोस्त, द ओनली बैट्समैन, इकलौता बैट्समैन, द ओनली पर्सन, कोई इकलौता व्यक्ति, मतलब जो वहाँ पर इकलौता वर्ड आ जाएगा हिंदी का तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। इसी तरह विद द नेम ऑफ फैमिलीज, जैसे परिवारों के नाम के साथ, जैसे द राणाज, द खान्स, द टाटाज, द गुप्ताज, द जैक्सन्स, तो जो इस तरह से जो फैमिलीज को डिनोट करते हैं तो उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारी रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, ओशियंस हैं, तो इनमें भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द गंगेज, हमने नदी में, गंगा नदी जो है हम उसमें द का यूज़ करते हैं, द गंगेज, द नाइल, द एटलांटिक, द पैसिफिक ईटीसी। ये सारी चीज़ों में हम द का यूज़ करेंगे। इसी तरह विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल्स नेम, प्लूरल नेम्स सॉरी, तो जो ऐसी कंट्रीज जहाँ पर हम प्लूरल नेम्स का यूज़ करते हैं, जैसे द नीदरलैंड्स, इसमें एस लगा है तो हम इस क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। द फिलीपींस, इसमें भी एस है तो हम, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसलिए हम इसमें द का यूज़ करेंगे। वेयर नॉट टू यूज़ द, हम द का यूज़ कभी कहीं कहाँ पर कभी नहीं करते, उसके बारे में जानेंगे कि अब हम वहाँ पर द का यूज़ कभी नहीं करते। जैसे नंबर वन, बिफोर द नेम ऑफ अ डिसीज, किसी बीमारी की जब हम बात करते हैं तो हम द का यूज़ नहीं करते। बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, जैसे हिंदी, तो हम कभी द हिंदी नहीं बोलेंगे, उसको आ हिंदी बोलेंगे, क्योंकि
हम लैंग्वेज में कभी दा का यूज नहीं करते बिफोर आ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम, जैसे शरद, तो हम उसको द शरद नहीं बोलेंगे, आ शरद बोलेंगे। तो इसलिए हम प्रॉपर नाउन में कभी दा का यूज़ नहीं करते। बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, हमने कंट्रीज जो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी देश की बात कर रहे हैं तो हम उसमें नहीं लगेंगे, हम उसमें दा का यूज़ नहीं करेंगे, हम आ यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि यूनाइटेड किंगडम वगैरह जो होते हैं उसमें हम दा का यूज़ करते हैं, लेकिन सिंपल जो हमारी कंट्री है उसमें हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह बिफोर द वर्ल्ड ब्रेक, बिफोर द वर्ड्स, जो हमारे वर्ड्स हैं जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके पहले हम दा का यूज़ कभी नहीं करते। बिफोर हॉस्पिटल, गॉड एंड स्कूल, इनके पहले भी हम दा का यूज़ कभी भी नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।